नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इन दिनों हर कोई वर्ल्ड कप की बातें कर रहा है, पूरा देश भारत की जीत की कामना कर रहा है। इस बार इंडिया ने जिस तरह से खेला है उसके बाद से ही हर किसी को उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के ही नाम होगी। 15 अक्टूबर को न्यूजीलैंड को 70 रनों से मात देकर भारत ने फिनाले में जगह बना ली। जहां एक तरफ भारत फिनाले में पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड संग सेमीफिनाले के दौरान विराट कोहली ने 50वां शतक लगाकर एक नया इतिहास रचा था। इसी के साथ उन्होंने क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मैच को देखने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी। इन हस्तियों में रणबीर कपूर भी शुमार थे। रणबीर भी भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे थे। बता दें कि जल्द ही रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज होने वाली। एक्टर इन दिनों अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। मैच देखने पहुंचे रणबीर ने यहां अपनी फिल्म एनिमल का भी प्रमोशन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान रणबीर कपूर से विराट कोहली की बायोपिक में काम करने पर भी सवाल किया गया, जिसका एक्टर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की तुलना अपनी फिल्म एनिमल से भी की। मैच के दौरान बातचीत में रणबीर कपूर से पूछा गया कि क्या वो बायोपिक में विराट कोहली की भूमिका निभाने में दिलचस्पी लेंगे। इसके जवाब में रणबीर ने कहा, अगर विराट कोहली पर बायोपिक बनती है तो खुद विराट को अपना किरदार निभाना चाहिए, क्योंकि वो कई एक्टर्स से बेहतर दिखते हैं और फिटनेस के मामले में भी वो जबरदस्त है। बता दें कि इस दौरान रणबीर ने विराट को अपना पसंदीदा क्रिकेटर भी बताया और 2011 विश्व कप फाइनल को याद करते हुए कहा कि मैंने 2011 में वानखेड़े में MS धोनी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए देखा था। उम्मीद है कि भारत फाइनल में जीत के साथ फिर से चैंपियन बनेगा। इतना ही नहीं, रणबीर ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की तुलना अपनी फिल्म एनिमल से करते हुए कहा, एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही, ये क्राइम ड्रामा है लेकिन कहानी फैमिली की। फिल्म में मेरा किरदार अपने परिवार की रक्षा के लिए ठीक वैसे ही किसी भी हद तक जाता है जैसे हमारी टीम कप जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। बात करें रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की, तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ साथ रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अनिल कपूर अहम रोल में दिखाई देंगे। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। वैसे आपको क्या लगता है, विराट कोहली को अपनी बायोपिक पर खुद काम करना चाहिए या नहीं? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।